सबसे बड़ा प्रश्न है कि विटामिन B12 नहीं मिलता है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन B12 गाय गौ माता के गोबर में है, और गोबर और गोमूत्र मिक्स करके शरीर पे लगाते हैं तो हमारी बॉडी उसको एब्सॉर्ब करती है। हमने जब लगाया तो कैसे वेट था, पूरा गीला गीला था। अभी हमारी बॉडी ने सूख लिया है तो हमारी बॉडी ने ये विटामिन B12 वो एब्सॉर्ब किया है। सीधा कोविड पेशेंट्स के टच में मुझे काम करना होता था, तो उतना एक मानसिक स्ट्रेस बना रहता था कि पता नहीं कब मैं संक्रमित हो जाऊंगा और कब मेरी भी हालत इन पेशेंट्स के जैसी हो जाएगी। लेकिन हर हफ्ते हर इतवार के दिन हम लोग मैंने ये पंचगव्य दिव्य गव्य स्नान आरंभ किया है। लेकिन जब से मैंने स्नान आरंभ किया है मेरे अंदर एक स्फूर्ति और एक आत्मविश्वास का अनोखा संचार हुआ है, जो कि मुझे किसी भी परिस्थिति का सामना करने से जरा भी संकोच नहीं रहता है। There is no scientific evidence to prove the cow dung can be used as a treatment or immunity booster against the corona infection which is prevailing. People should also understand when using an excreta of an cow which is being considered as a sacred animal, that is bound to increase some zoonotic or infectious disease more.